यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हर साल की तरह इस साल भी हम महा उपवास काल में आ पहुंचे हैं और हम महा उपवास काल में ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ रहने की और प्रभु के प्यार को अनुभव करने की हम कोशिश करते हैं। हम सबको पवित्रता के लिए बुलाया गया है। बाइबल कहती है पवित्रता को हासिल करने के लिए हमें साधना करना पड़ता है, विशेष साधना की जरूरत है। और पवित्रता को हम हासिल करने के लिए प्रभु यीशु ने जो दुखों का अनुभव किया, प्रभु यीशु ने जो उपवास किया, प्रभु यीशु ने जो दिन रात प्रार्थना किए, ये सब प्रयास पवित्रता को हासिल करने का एक मार्ग है, एक माध्यम है। हमको दुखों से, परेशानियों से, तकलीफों से दूर नहीं जाना है, उनको अपनाना है। हम दुखों को अपनाने से, परेशानियों को अपनाने से हमको धैर्य मिलता है। बाइबल कहती है हमें पवित्र आत्मा मिला है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दृढ़ता मिली है और दृढ़ता से हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त होता है। प्यारे भाई और बहनों, आज का हमारा यह विषय है कि यीशु क्रूस ढोते समय एक वेरोनिका नाम की महिला धैर्य के साथ आगे आती है और यीशु का चेहरा पोछती है। प्यारे भाई और बहनों, मैंने अभी तक जो भी बोला है उसका सारांश यह है कि हमें वेरोनिका जैसे कार्य करने के लिए, यीशु जब दुख में था, पीड़ा में था, खून बह रहा था, यीशु का चेहरा लोहलुहान हो गया था, उस समय यीशु के अपने लोग यीशु के पास नहीं थे, यीशु के अपने लोगों ने यीशु का साथ छोड़ दिया था। चारों ओर हम देखे तो सिर्फ दुश्मन थे। इस अवसर में वेरोनिका ने धैर्य के साथ यीशु का चेहरा पोछ दिया और जैसे ही वो यीशु का चेहरा पोछती है, यीशु का रूप उस रुमाल में छप जाता है। प्यारे भाई और बहनों, इस समाज में, आज की दुनिया में हमें यीशु के साथ रहने के लिए, यीशु के नाम की घोषणा करने के लिए, अच्छा ईसाई जीवन जीने के लिए, विश्वास का जीवन जीने के लिए हमें धैर्य की जरूरत है। हम इस दुनिया में देखें तो यीशु का चेहरा अलग अलग रूप में हम देखते हैं। आज पापों के कारण यीशु का चेहरा लहूलुहान हो गया, ऐसे हम देखते हैं। दुखों के कारण, गरीबी के कारण और अन्य बहुत सारे पीड़ाओं के कारण आज की दुनिया के अलग अलग रूप में हम यीशु को देखते हैं। उनके पास जाकर के उनको सांत्वना देना ही, उनको यीशु के बारे में बताना, यीशु का प्यार देना, यही एक सबसे बड़ा हमारा कार्य है और हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हमें धैर्य की जरूरत है। जैसे वेरोनिका को यीशु का चेहरा पोछने के लिए धैर्य मिला, उसी तरह हमको भी यीशु का चेहरा इस समाज में, अलग अलग लोगों में, अलग अलग रूप में देखने के लिए हमें धैर्य की जरूरत है और उसके लिए हमें प्रयास करना है, साधना करना है। प्यारे भाई और बहनों, हमसे यीशु यही उम्मीद करते हैं कि यीशु का चेहरा जो आज हम अलग अलग देखते हैं, हम भी वेरोनिका जैसे हम पोछने के लिए तैयार हो जाए, दुख भरे लोगों को हम सांत्वना देने के लिए तैयार हो जाए, गरीबी से जकड़े हुए लोगों को हम उनके साथ कुछ पल बिताने के लिए हम तैयार होना है। हम उसी के द्वारा हमारा विश्वास प्रकट कर सकते हैं।